क्वेश्चन में हमको दो ग्राफ्स दिए हुए हैं, एक ग्राफ है y वर्सेस x का और दूसरा ग्राफ है y वर्सेस t का, ठीक है। एट t इज इक्वल टू जीरो y वर्सेस x का ग्राफ बना के दिया हुआ है एंड एट t इज x इक्वल टू जीरो y वर्सेस t का ग्राफ बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस ये वाली जो है दिस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो ग्राफ दिए हुए और साथ ही साथ हमको ये इंफॉर्मेशन दिया है कि देर आर 25 कंप्लीट वेव्स इन 1 मीटर लेंथ, 25 कंप्लीट वेव्स है 1 मीटर लेंथ में एंड एनी पार्टिकल ऑसिलेट्स 10 बाय पाई टाइम्स पर सेकंड, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। एंड आल्सो लेबल द डायग्राम, इनमें हमको लेबलिंग भी करना है कि कहां पर टाइम पीरियड आएगा और कहां पर वेव लेंथ आएगी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले पहली लाइन पढ़े, देयर आर 25 कंप्लीट वेव्स इन 1 मीटर and this we know is the definition of wave number, ठीक है। wave number is basically 1 by lambda, clear। और हमने क्या कल इसका meaning भी देखा था पिछले वीडियो में कि wave number क्या होता है, it is number of waves in 1 meter, complete waves in 1 meter, ठीक है। तो इसकी value कितनी देके रखी है, 25, that's it, right, per meter। तो ऐसे lambda कितना आ गया, 1 by 25, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 0.04 मीटर, ये वेवलेंथ आ गई, क्लियर। अच्छा और क्या बोल गया, अगर एनी पार्टिकल ऑसिलेट्स 10 बाय पाई टाइम्स मतलब फ्रीक्वेंसी पर सेकंड, मतलब 10 बाय पाई हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। इससे अपन ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा कितना हो जाता है, 2 पाई इंटू एम, सॉरी इट विल बी 2 पाई इंटू 10 बाय पाई, तो जो ओमेगा आएगा दैट विल बी 20 रेडियन पर सेकंड, ये हमारे पास ओमेगा आ गया, ठीक है। और ये आ गया लेंथ, इससे हम टाइम पीरियड भी निकाल लेते हैं, इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू 1 बाई टी, दैट इज इक्वल टू 10 बाई पाई, सो टी इज इक्वल टू 5 बाई 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमारा जो बेसिकली इक्वेशन है वो बनती हुई दिख रही है, लेकिन उससे पहले अपन यहाँ पर लेबलिंग करें, ध्यान से देखें, ये जो ग्राफ ये जो है t is equal to 0 पर स्नैपशॉट है ना, बेसिकली टाइम को रोकना है, t is equal to 0 पर टाइम रोका है हमने, इसका मतलब हमने इसकी पिक्चर ले ली, राइट। और उस इंस्टेंट पर दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, राइट। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस मस्ट बी वेवलेंथ, राइट। और इस वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, यही 0.04 मीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज 0.04 मीटर, क्लियर। अच्छा इसकी लेबलिंग करें, यहाँ पे y वर्सेस t का ग्राफ है एंड x इक्वल टू 0, इसका मतलब पहले तो मैं समझाऊं कि क्या है। ये तो हमने वेव का फोटो खींचा हुआ था, ठीक है, वेव ऐसे ऑसिलेट कर रही थी और t इज इक्वल टू 0 पर अपन ने उसकी पिक्चर क्लिक कर ली, तो ये कुछ ऐसी दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग x के लिए अलग अलग बेसिकली पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग पोजीशन है, राइट। अब ये एक्स इक्वल टू जीरो पर एट एक्स इक्वल टू जीरो पर ये ग्राफ दिया, इसका मतलब समझते हैं, इसने बेसिकली क्या किया है, हमने एक्स इक्वल टू जीरो वाले जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था उसको ही बहुत टाइम तक ऑब्जर्व कर रहे, ठीक है, मतलब हमने इस वाले पार्टिकल को फिक्स कर दिया। अब हमारा फोकस पूरी वेव ना होकर सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्टिकल है, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो पर t इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल जीरो पर था, फिर ये पार्टिकल ऊपर जाने लगा होगा, इसलिए इसका जो y का डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव होगा, ये मैक्सिमम पर पहुंचा होगा, फिर वापस नीचे आना शुरू होगा, इसलिए फिर से जीरो हो गया, फिर नेगेटिव हो गया, और ये कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे जम करता जा रहा है। ये वेव की इक्वेशन नहीं है, ये पार्टिकल की ऑसिलेशन का ग्राफ बनाया है हमने y के रिस्पेक्ट में t के साथ, सॉरी t के रिस्पेक्ट में y, समझ आया। फिर से बोल रहा हूँ, ये वेव है, वेव की पिक्चर, ये स्नैपशॉट है वेव का, ये बेसिकली हमको जैसा चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और ये क्या है, ये हमने y वर्सेस t का कॉपी पेन से ग्राफ बनाया, समझ आया। तो दिस इज द वेव एंड दिस इज द ग्राफ, ये वेव को हमने फोटो खींच के ऐसा बना दिया और ये ग्राफ को हमने पहले वैल्यूज लिखी और वैल्यूज को ट्रेस करके ऐसा बनाया, समझ आ गया। तो इनके बीच का ये सेपरेशन होगा, दिस विल बी टाइम पीरियड, क्लियर है। और इस t की वैल्यू कितनी है, इस t की वैल्यू है 5/10, तो हम यहां पे लिख देते हैं इट इज इक्वल टू 5/10
सेकंड। क्लियर, ये पूरा सिस्टम समझ आ गया। अब हम बात करें इसकी इक्वेशन लिखने की। तो अब इक्वेशन लिखना बहुत इजी है। यहाँ पे हमें एक्चुअली बॉल पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जा रही है। तो लेट्स से दिस वेव इज मूविंग इन प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। हमारे पास क्या क्या आ चुका, वेवलेंथ आ चुकी है एंड टाइम पीरियड आ चुका है। ठीक है, इसके इससे अपन वेव बना लेते हैं। वेव की जनरलाइज इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। इट इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये मैंने लिख ली जनरल इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर एक फाइन एंगल फेज भी आ सकता है। लेट्स से ये वेव ऐसी स्टार्ट ना होकर टी इज इक्वल टू जीरो पर ऐसी स्टार्ट होगी, तो फिर वो ये एंगल फाई डिसाइड कर देगा। क्लियर, टी इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो फिर साइन फाई आएगा। साइन पाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू जीरो नहीं है तो हमको साइन पाई की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली अभी जीरो मान ले रहा हूँ क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, या फिर मैं इसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ, ए साइन टू पाई बाई टी और टू पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स माइनस टू पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी। ठीक है, अभी हमारे पास जो वैल्यूज दिख रही है वो लैम्डा की दिख रही है और कैपिटल टी की, तो ये वाली इक्वेशन यूज करना अच्छा सूटेबल होगा। ठीक है, ओके, तो ये मैं बिठा दे रहा हूँ पॉइंट जीरो को वेवलेंथ और पाई बाई टेन एंगल, लैम्डा इज पॉइंट जीरो फोर मीटर एंड टाइम इज पाई बाई टेन सेकेंड। अब एक चीज बच गई, वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये होगा, यहाँ पे एक्चुअली मेंशन किया हुआ है, दिस इज द एम्पलीट्यूड। यहाँ पर यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों केसेस में पार्टिकल का ही डिस्प्लेसमेंट है y y एक्सिस पर, राइट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो चाहे इस ग्राफ से देखो, इस ग्राफ से देखो, दोनों की वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। ठीक है, तो ये y हो जाएगा a दैट इज 15 सेंटीमीटर इनटू साइन 2 पाई बाय 0.04 x माइनस 2 पाई बाय पाई बाय 10। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर साइन, ये हो जाएगा 50 पाई x माइनस 20 t, दिस विल बी द आंसर। क्लियर,